हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीएम इंडस्ट्रीज के बारे में। फीएम इंडस्ट्रीज में क्या लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है? क्यों इसके शेयर्स आपको खरीदने चाहिए? क्यों राकेश झुनझुनवाला इस स्टॉक में बुलिश हैं? क्या राय है उनकी? ब्रोकरेज फर्म्स का क्या कहना है इस स्टॉक के बारे में? एनालिस्ट ने क्या रिसर्च की है फीएम इंडस्ट्रीज के बारे में? क्या कमाल की न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से उनको भी जानकारी मिल सके फीएम इंडस्ट्रीज के बारे में और मुनाफा कमा सकें। साथ ही शेयरिंग के द्वारा आप एक दूसरे की राय भी जान सकते हैं इस कंपनी के बारे में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लाभदायक होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक आप हमारे वीडियो को पूरा सुनें। आप हैं फीएम इंडस्ट्रीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर और इसके माध्यम से ही हम आपको कंपनी के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। थर्ड पार्ट में हम बताएंगे इसके टारगेट। तो तीनों ही पार्ट आपको जरूर देखना है। किसी भी एक पार्ट को मिस कर देंगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा और इससे उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले आप एक बार कंपनी की रिसर्च स्वयं जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें या हमें कॉल करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उन स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं जो कि आने वाले 3 से 5 सालों में डबल हो सकते हैं, तो आप हमारी प्राइम मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इससे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा कि कौन से स्टॉक में कब बाई करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब एग्जिट करना है, एसएल क्या होना चाहिए, बाई लेवल्स क्या होने चाहिए। ये सारी जानकारी आपको प्राइम मेंबरशिप के द्वारा आसानी से मिल जाएगी। फीएम इंडस्ट्रीज क्या कारोबार है इनके, क्या प्रोडक्ट हैं, क्या प्रोडक्ट क्वालिटी है, पास्ट में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, प्रेजेंट में क्या कर रही है कंपनी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और फ्यूचर में ये क्यों ग्रो हो सकती है, क्यों मल्टी बैगर बन सकती है कंपनी, इसके पीछे क्या कारण है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अपने स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रही इमेजेस को ध्यान से देखिए। फीएम इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसा कोई प्लेस नहीं है कि फीएम इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल ना हो रहे हों। फीएम टैग लाइन है लाइट अप द वर्ल्ड। ये एलईडी एलईडी बनाते हैं और आप जानते हैं इनकी एलईडी का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, दिन रात हर जगह हर एक प्रोडक्ट्स में एलईडी लाइट का इस्तेमाल हो रहा है। आजकल तो एलईडी टीवी और कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इन सब में एलईडी का इस्तेमाल तो होता ही है। बिना एलईडी के कुछ भी चीज़ें संभव नहीं हैं। हर प्रोडक्ट में, हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में एलईडी का इस्तेमाल हो रहा है और आजकल ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स ही हैं। तो एलईडी की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा कर रही है फीएम इंडस्ट्रीज। तो इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं ऑटोमेटिक लाइटिंग में, जैसे कार के, देखिए इसमें एलईडी का इस्तेमाल हो रहा है। रियर व्यू मिरर्स में भी एलईडी का इस्तेमाल हो रहा है। इंडोर एलईडी लाइटिंग में भी फीएम एलईडी बल्ब्स बनाते हैं। आउटडोर एलईडी लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट में भी एलईडी का इस्तेमाल हो रहा है। और इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम में, स्टेशन पर जो डिस्प्ले बोर्ड होते हैं इसमें इसमें एलईडी का इस्तेमाल होता है। इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेटिव सिस्टम आईपीएस में एलईडी का इस्तेमाल हो रहा है। इनकी प्रेजेंस इटली, इंडिया, हांगकांग, जापान में है। स्कूटी, मोटरसाइकिल, इसमें एलईडी का इस्तेमाल हो रहा है। तो दुनिया के सभी चीज़ों में एलईडी मस्ट हो चुकी है और ऐसी कंपनियों की फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो रही है और होगी। वेलकम टू फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। चेयरमैन के मैसेज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज क्या है, ग्रुप कंपनीज के साथ क्या कोलैबोरेशन है, ये भी हम आपको बताएंगे।
विद ए हिस्ट्री ऑफ ओवर 47 ईयर्स, फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज स्क्रिप्टेड अ ट्रेबलेजिंग पाथ इन द फील्ड विथ फार साइटेड विजन, इनोवेशन एंड सीयर डायनामिक्स. टुडे फीएम इज अ वेल रिप्यूटेड नेम इन द ऑटोमोटिव लाइटिंग इंडस्ट्री विथ 9 स्टेट्स ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजाइन सेंटर इन इंडिया, जापान एंड इटली, एंड इज अ प्रिफर्ड सप्लायर टू लीडिंग ओईएम इन इंडिया एंड अब्रॉड. तो तेजी से कारोबार फैला रही है फीएम इंडस्ट्रीज, 47 सालों से कारोबार कर रहे हैं, कोलाबरेशन किया है इन्होंने जापान और इटली के साथ. 9 स्टेट में इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ पर इनके मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है. फोर्टी सेवन ईयर्स से कंपनी काम कर रही है, 50 सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं इनके पास और भी आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं इनसे. 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इनके पास. इनकी स्ट्रेंथ क्या है ये हम बात करेंगे. टीम फीएम अ हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स ऑलवेज एम्स फॉर फर्दरिंग द कस्टमर्स नीड. टीम फीएम सर्विसेज फॉर हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स इन मैन्युफैक्चरिंग, अडॉप्टिंग न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड एंश्योर ऑन टाइम डिलीवरी टू द कस्टमर्स. कंटिन्यूअस फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द बैकबोन ऑफ आवर सक्सेस. फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फीएम इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइस आप देख रहे हैं काफ़ी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अप ट्रेंड स्टॉक में दिख रहा है, वॉल्यूम में भी तेजी नज़र आ रही है. और जैसे ही एक अच्छे वॉल्यूम पर स्टॉक ट्रेड होता है आगे इसके स्टॉक प्राइस में भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं. ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई बनाया है फीएम इंडस्ट्रीज ने. इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम दिखाना चाहेंगे. ऑटोमोटिव डिवीजन में इस तरह की लाइटिंग बनाते हैं, फ्रंट रियर इंडिकेटर्स, रियर व्यू मिरर्स, ऑटोमेटिव लैंप्स, कैनिस्टर, एलईडी ल्यूमिनरीज. डिवीजन में एलईडी बल्ब्स बनाते हैं, एलईडी ट्यूब्स बनाते हैं, इंडोर लाइटिंग का काम करते हैं, आउटडोर लाइटिंग में इस्तेमाल होते हैं इनके. इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम में आईपीआईएस डिवीजन में भी इनके एलईडी इस्तेमाल होते हैं. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनी क्या काम कर रही है, हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं, इनको कई अवार्ड से नवाजा गया है. सुजुकी ने, मारुति सुजुकी ने इनको अवार्ड दिया है, हीरो मोटोकॉर्प ने इनको अवार्ड दिया है. ऑटोमोटिव कॉर्पोरेशन फिल्म यहाँ से आप देख सकते हैं. इनके वैल्यूड कस्टमर्स हम बताना चाहेंगे, टीवीएस, यामाहा, आइसर मोटर्स, पियागियो, डैमर, फोर्स, हुंडई जैसे पॉपुलर फेमस कस्टमर हैं जिनको सभी जानते हैं. तो इस शानदार कंपनी में निवेश करके आपका भविष्य भी लाइट हो सकता है, ब्राइट हो सकता है. तो चलिए इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हम. फीएम इंडस्ट्रीज करेंट मार्केट प्राइस 1479 रुपीज, एक दिन में 0.66% की तेजी दिख रही है, 1 वीक में 3.07% की तेजी है, 1 मंथ में 39.93% की होल्डिंग है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है 1 मंथ टाइम फ्रेम में. 1 ईयर में 86.39% की तेजी दिख रही है स्टॉक में, 3 ईयर्स में 222.06% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर्स में 59.38% के रिटर्न दिए हैं. तो कमाल के रिटर्न दिए हैं इस कंपनी ने. टेक्निकल चार्ट देखकर हम आपको बताएंगे कि इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में आने वाले समय में क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्या चेंज आने की संभावना है. 200 में पर अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में दिखा है, 50 MA का सपोर्ट है, 200 MA पर अच्छा ब्रेकआउट दिखा है और कंसोलिडेशन है, आगे भी तेजी आने की उम्मीद है. RSI 70 है, कुछ समय बाद कंसोलिडेट होकर गिरावट में आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं. कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, 52 वीक लो 695 रुपीज का है, 52 वीक हाई 1645 का है. वॉल्यूम 54,595 का, अच्छे वॉल्यूम पर ट्रेडिंग हो रही है. वैल्यू जो है 8 करोड़ की आज ट्रेड हो चुकी है.
मार्केट कैप 1035 करोड़ की कंपनी है, पी रेशो 20.54 है, पीबी रेशो 3.01 है, इंडस्ट्री पी 36.34 का है। इंडस्ट्री पी से काफ़ी लो पी पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी पर मामूली डेट है 0.07, इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.54% है जो कि बेहद ही शानदार है। ईपीएस 71.56 है, डिविडेंड ईल्ड 1.36% का है। फीएम इंडस्ट्री डिविडेंड भी दे रही है। बुक वैल्यू 488.02 है, फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। फाइनेंशियल देखिए, रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, प्रॉफिट में भी तेजी नजर आ रही है, नेटवर्थ में हर क्वार्टर में नेटवर्थ में इजाफा हुआ है, ईयरली टाइम फ्रेम पर हर साल इनके नेटवर्थ इम्प्रूव हो रही है, ग्रो हो रही है। प्रॉफिट जो है एनुअली एक अच्छा जंप देखने को मिला है 2022 में, रेवेन्यू में भी 2022 में एक अच्छी तेजी नजर आ रही है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जगजीवन जैन है। कंपनी स्थापित हुई थी 1989 में, एनएसई सिंबल फीएम आईएनडी के नाम से। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर आ रहे हैं, प्रमोटर्स के पास 66.56% की होल्डिंग है, रिटेल एनालिस्ट के पास 29.44% की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 4% की होल्डिंग है। इसी जैसे दूसरे स्टॉक्स भी हैं, जैसे संवर्धन, मदरसन सुमी इंटरनेशनल, बोस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, सोना, बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जेंस, भारत फोर्ज, मिंडा इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, एंडोरेंस टेक्नोलॉजी, सुदर्शन फास्टनर्स जैसे दूसरी कंपनियां भी हैं जिसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। इवेंट्स की बात करेंगे, बुक क्लोजर 24 अगस्त 2022 को हो रही है। हाल ही में कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 20 रुपीज का, 20 रुपीज पर शेयर कंपनी डिविडेंड दे रही है और इसकी एक्स डेट है 12 अगस्त 2022। क्या न्यूज निकल कर आ रही है कंपनी के बारे में जो आपको जानना चाहिए। फीएम इंडस्ट्रीज सर्जेस 6% ऑन हेल्दी आउटलुक, स्टॉक अप 56% इन वन मंथ। तो स्टॉक ने 56% का जंप लगा दिया है, वो भी एक महीने में, क्योंकि फीएम इंडस्ट्रीज का जो 6% जो है इनका हेल्दी आउटलुक बना है और 6% की तेजी एक स्टॉक में दिखी है एक दिन में। आगे स्टॉक की क्या चल रह सकती है। मोनार्च नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड ने इसके लिए टारगेट दिया है 1690, 14.02% की अपसाइड आ सकती है, बाई रिकमेंडेड किया गया है मोनार्च नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड के द्वारा। तो खरीदारी करके चल सकते हैं, आगे अच्छा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। साथ ही आप हमारी प्राइम मेंबरशिप को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके माध्यम से आपको इन स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिलेगी जो कि आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकते हैं। प्राइम मेंबर बनने पर आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा कि इन स्टॉक्स में बाई करना है, किन स्टॉक्स को सेल करना है, कब एग्जिट करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।